असीम अरुण साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं 112 के डी। असीम अरुण साहब बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। असीम अरुण साहब आप लोगों के लिए वाकई सैल्यूट बनता है, उन तमाम लोगों के लिए सैल्यूट बनता है जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर 24 घंटे लगे हुए हैं। 112 अपने आप में बहुत अहम है और आज के दौर में उसकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन चुनौती से कैसे निपट रहे हैं, क्योंकि आप लोग चुनौती से कभी डरते नहीं हैं और ना ही हिचकते हैं। निश्चित रूप से चुनौती बहुत बड़ी हम लोग के सामने है और ऐसी चुनौती की परिकल्पना भी खास नहीं की गई थी, लेकिन बिल्कुल सही बात है, ऐसी कोई चुनौती नहीं जिसको कि हम लोग एकजुट होकर के और व्यवस्थित सिस्टमैटिक तरीके से हल ना कर पाए। बिल्कुल, तो अभी शुरुआत के 3 दिन 4 दिन लॉकडाउन के रहे हैं, वो लोगों के अंदर के अच्छे इंसान प्रकट हुए हैं, तेजी से लोगों ने अपने लॉजिक से अपने ज्ञान से काम किया है जी। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने पिछले 2 दिन में जो हम लोग को निर्देश दिए हैं वो सब इस आशय के हैं कि हम सिस्टम बनाएं, और लॉकडाउन कुल 21 दिनों के लिए है, तो हम लोग को इस हिसाब से काम करना है जिससे कि हम दूरी भी रख सकें और हमारा सामान्य जीवन जितना लौट सकता है, कष्ट तो रहेगा ही, खत्म नहीं होगा, जितना रख सकते हैं उतना हम लोग रखें। बिल्कुल असीम अरुण साहब, मैं इस पर आपसे स्पष्टीकरण थोड़ा चाहूंगा, मुझे जितनी जानकारी मिली है, हो सकता है कि सही जानकारी ना हो। 112 तो लगातार काम कर रहा था, लेकिन 112 के जो कमांडो हैं कुछ शायद छुट्टी में गए थे, वो खुद से लौट आए हैं, क्या ये खबर सही है? जी, ये बड़ी सुखद खबर है, और परसों सुबह की बात है, मेरे पास एक मनीषा पवार नाम की महिला कांस्टेबल का फोन आया। उसकी पोस्टिंग कानपुर में थी, वो हापुड़ गई थी छुट्टी के लिए, तो उसने जैसे ही देखा लॉकडाउन हुआ है तो उसने निर्णय लिया कि वो छुट्टी से वापस लौट रही है, और लेकिन उसने कहा मैं पहुंच नहीं पाऊंगी कानपुर, तो मैं क्या करूं? तो मैंने नियम को शिथिल करते हुए उसको लॉकडाउन की अवधि के लिए संबद्ध कर दिया है हापुड़ में ही, तो वो अपने घर पे ही रह रही है, लेकिन हापुड़ में ही पीआरवी पे ड्यूटी कर रही है और आपकी सेवा कर रही है। बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने और खुशी की बात है, कल और आज में करीब 30 ऐसे कोरोना कमांडोज ने एप्लीकेशन या फोन मुझे किया कि वो भी लौट रहे हैं, और जो जहां पे है हम उसको तुरंत वहीं पे ड्यूटी पे ले रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, इसलिए मैंने सवाल लिया था। और देखिए कितना सुखद है कि एक महिला, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को उन्होंने कैसे निभाया, और उसके लिए आपने नियमों को शिथिल करके उनके उस जो कर्तव्य निष्ठा थी, जो उनकी कोशिश थी या जो उनकी आकांक्षा थी, उसकी पूर्ति के लिए आपने वहीं पर व्यवस्था की, और उनसे प्रेरित होकर तमाम अन्य और भी जो आपके लोग हैं, आपके टीम के लोग हैं, वो आप तक अब इन चीज़ों को पहुंचा रहे, या फिर वो भी ड्यूटी पर लौट रहे या लौटना चाहते हैं। असीम अरुण साहब, आप लोगों के चैलेंज बड़े अलग तरीके के होते थे, संक्रमण अलग तरीके का होता था और उससे लड़ाई चलती रहती थी, आज के दौर में वो क्राइम हो, तमाम तरह के और अपराध हो, लेकिन ये कोरोना का संक्रमण है। नीतिगत तौर पर, टेक्नोलॉजी के तौर पर अचानक से ये चैलेंज कैसे फेस कर रहे हैं, और इसके लिए आप लोगों ने क्या कार्य योजना तैयार की है? टाइम बाउंड क्या है कि कोई जानकारी मिले किसी मरीज के बारे में या किसी और पैनिक सिचुएशन के बारे में या किसी और तरह की आपत्ति के बारे में, और रोजमर्रा की जरूरतों का भी आप लोगों पर जिम्मा डाल दिया गया है कि लोगों तक वो पहुंचाया जाए सरकार के जरिए, तो उस चीज को कैसे बैलेंस कर रहे हैं? इसकी रणनीति की बात करें तो लॉकडाउन तो अभी हुआ है, लेकिन बीमारी है, ऐसा हो रहा है, ये सब चीज़ें सबकी जानकारी में था, तो 112 ने पहले से इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी थी, जिसमें कि अपने कर्मियों की ट्रेनिंग, अपने मुख्यालय का जो कॉल सेंटर है उसका फ्यूमिगेशन, उसकी सफाई, स्टाफ का मोटिवेशन, इन सब चीज़ों पर लगातार हम काम कर रहे थे। और अब जब लॉकडाउन है तो मैं साफ कहूंगा कि पहले 2 दिन जो पुरानी व्यवस्था थी, यानी किसी ने कॉल किया, पीआरवी ने इवेंट पे पहुंच के मदद की, इसी के तहत काम हुआ, लेकिन अब आज से मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जनपदों में, तहसील में ऐसे सेंटर बना दिए गए हैं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा, जहाँ पे राशन, फूड पैकेट आदि रखे गए हैं, उनको पीआरवी में रिजर्व के ऊपर रखा जा रहा है, जो मदद मांग रहा है उसको मदद पहुंचाई जा रही है और उसका पूरा लेखा जोखा भी रखा जा रहा है।